The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, what is hernia? Hernia kya hai? Ek hernia, hernia mein aisa kya hota hai ki aapko operation ki zarurat pad jati hai? Ek hernia, H-E-R-N-I-A, hernia, ek sac hai, ek gubbara hai, ek aisi पोटली है जो जिसके अंदर जो ज़्यादातर पेट में पाई जाती है एब्डोमिनल कैविटी में सो हो क्या रहा है यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक पोटली एक सैक इज कमिंग आउट ऑफ द एब्डोमिन ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द एब्डोमिन द सैक इज ऑफ द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिन आपके पेट के अंदर का सबसे अंदर का है हिस्सा जो होता है पेरिटोनियम वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है और उसी को हर्निया कहते हैं अब हो क्या रहा है कि ये सैक आता है एक वीकनेस वीक स्पॉट के वजह से ये वीक स्पॉट जो है आपके एब्डोमिनल मसल्स और एब्डोमिनल लेयर्स ऑफ जो भी एब्डोमिनल वॉल है उसकी लेयर्स है स्किन है फैट है सबक्यूटेनियस फैशिया है मसल है पेरिटोनियम है एटलीस्ट पांच लेयर तो है राइट पांच लेयर में कहीं वीकनेस होती है मान लो फैशिया वीक है मान लो पेरिटोनियम वहाँ से आ जाएगा फैशिया वीक है तो मान लो मसल में गैप है तो वहाँ से आ जाएगा राइट एनी लेयर विच इज़ वीक जैसे मान लीजिए अगर आप एक टायर कहीं एक जगह से घस जाए तो ट्यूब या वो टायर वहाँ से बल्ज कर सकता है राइट दैट इज़ द आइडिया वैसे ही अगर वो ट्यूब वहाँ टायर वहाँ से फट जाए तो कई बार ट्यूब भी बाहर आ सकती है सो ये हाँ जी हाँ जाए ऐसा बिल्कुल हो सकता है तो दैट इज़ द हर्निया हर्निया इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ सम कैविटी ऑब्वियसली कुछ अंदर होगा तो बाहर आएगा ना राइट अंदर होगा तो बाहर आएगा उसको हर्निया कहते हैं सो ये हर्निया पेट में हो सकता है दिमाग में हो सकता है पीठ में हो सकता है जैसे हर्निएटेड डिस्क होती है आपकी जैसे पेट के अंदर फीमोरल जो आपके ग्रॉइन साइड में आता है उसे फीमोरल हर्निया कहते हैं जो डिस्क में होता है हर्निएटेड डिस्क कहते हैं डिस्क हर्निएट होकर आपकी नसों को दबा सकती है यहाँ पर आपके फीमोरल साइड में हर्निया होके वहाँ पे इंटेस्टाइन्स बाहर हर्निएट हो सकते हैं सो हर्निएटेड इंटेस्टाइन्स फिर क्या होगा इंटेस्टाइन हर्निएटेड फंस जाएंगे अटक जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है कॉन्स्टिपेशन की वहाँ हर्निएटेड डिस्क में अगर इंटेस्टाइन फंस गए तो कॉम्प्लिकेशंस हो तो हर एक जगह पे कॉम्प्लिकेशंस है पीठ में हर्निया होता है तो डिस्क से नस दब सकती है अम्बलिकस धुन्नी नाभि में हर्निया होता है तो वहाँ से आपकी अम्बलिकल हर्निया खांसी करने पे बाहर आने वाला काम वो भी होता है वहाँ पे भी आपके इंटेस्टाइन फंस सकते हैं तो कोई भी पेट के अंदर हर्निया होता है उसमें या तो इंटेस्टाइन आता है या इंटेस्टाइन के ऊपर की चर्बी यानी फैट फैट का लिटरली पेट पे एक पर्दा है जिसे हम ओमेंटम कहते हैं तो वो आ सकता है सो ओमेंटम आपका इंटेस्टाइन्स सब आ सकते हैं हर्निया के अंदर डिपेंडिंग अपॉन हर्निया कितना बड़ा है हर्निया का एक और क्वालिटी है उसकी एक और प्रॉपर्टी है वो है उसकी रिड्यूसेबिलिटी रिड्यूसेबिलिटी मीन्स हर्निया आए और वापस जा पाए यानी उसमें कोई चीज़ किसी के वीकनेस है वो वीकनेस में वो वापस जा पा रहा है और आ पा रहा है सो दैट इज़ समथिंग जो रिड्यूसेबिलिटी आप कह लीजिए है कि नहीं तो वो बाहर आ गया फिर जब रिलैक्स हो गया खांसी किया बाहर आ गया ताकत लगाया बाहर आ गया रिलैक्स किया अंदर चला गया दबाया तो अंदर चला गया दैट इज़ द रिड्यूसेबिलिटी अगर हर्निया रिड्यूस नहीं हो रहा तो वो मेजर प्रॉब्लम है भाई साहब दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम इफ द हर्निया इज नॉट गेटिंग रिड्यूस दैट मीन्स वट एवर इज कमिंग इन साइड द हर्निया इज गेटिंग स्टक देयर वो वहाँ अटक गया है अब वापस नहीं आ रहा हो सकता है वो अटके हुए ऑब्वियसली अगर वापस नहीं जा रहा तो वो उसके जो आने वाला रास्ता था वो दब गया वट एवर इट इज तो बाहर अंदर जो फंसी हुई चीज है वो बिना उसमें ब्लड सप्लाई कट हो सकता है उसमें डैमेज हो सकता है उसमें डेड टिश्यू बन सकता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है सो मोटा मोटा हर्निया ऐसी की चीज है इसीलिए द मेन प्रॉब्लम देयर इज द वीकनेस इन दैट वॉल वो जो भी हर्निया की वो जो भी चेम्बर है चाहे पेट हो चाहे पीठ हो चाहे गला हो जी हाँ गले में नेक में हर्निएशन हो सकती है डायफ्राम में आपका हर्निया हो सकता है कहीं पे कोई इंसीजन हो तो इंसीजनल हर्निया हो सकता है राइट सो एम्बलिकस में जो मसल्स हैं वो वीक वहाँ हर्निया हो सकता है तो हर्निया कैन हैपन मेनी प्लेसेस है बहुत सारी जगह पे हो सकता है
सो मेन प्रॉब्लम वो वीकनेस है. तो वीकनेस वीकनेस अगर है तो वीकनेस को तो ठीक करना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए हमने टीवी सीरियल्स में देखा था किसी की बॉडी एकदम से बड़ी 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 होती जाती है तो उसकी कड़क से वो फट जाती है. दैट इज वो फट जाना एक तरीके से जब बॉडी बनती बढ़ती जा रही है फट जा रही है तो वो बाहर आने के लिए जगह बना लेती है अपनी. वैसी एक हर्निया जब बाहर आता रहता है तो वो जो वीकनेस है उसको और बढ़ा सकती है. सो इसीलिए उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसको रिपेयर करना ज़रूरी है. वीकनेस को रिपेयर करने का एक ही तरीका है, सर्जरी. जी हाँ, ऑपरेशन सर्जरी. उससे क्या किया जाता है, जो भी बाहर आ रहा है उसको अंदर डाला जाता है और जहाँ से बाहर आ रहा है उसके ऊपर टांके मार दिए जाते हैं या उसके ऊपर कोई मेश लगा दिया जाता है कि भैया ये छेद अच्छे से भर दो, हर्निया वापस नहीं होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, राइट. तो उसका ऑपरेशन ही एक इलाज है जो परमानेंट इलाज है. टेम्पररीली आप उसके साथ जी सकते हैं उसके कारणों को मैनेज करके. कारण क्या, क्यों हुआ हर्निया, अभी वीकनेस तो है लेकिन हर एक की वीकनेस पे हर्निया हो जाएगा नहीं. सो आपके केस में कारण हो सकता है हैवी वेट लिफ्टिंग, आपके केस में कारण हो सकता है एक ही जगह पे बहुत समय तक ताकत लगा के टॉयलेट के लिए बैठना, एक ही जगह पे मतलब टॉयलेट के लिए बहुत देर तक बैठना, और मतलब स्ट्रेनिंग इन योर स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशन, हैवी लिफ्टिंग, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप पेट के अंदर इंटर एब्डोमिनल प्रेशर रेज करें, जैसे कि खांसी, जैसे कि छींकना, जैसे बहुत सारी खांसी, ओहो सारा हर्निया हो जाता है. सो यू हैव टू ट्रीट दैट कॉज ऑल्सो. कि आप वजन ज़्यादा नहीं उठाएंगे, अब आप क्या मोशंस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए दवा लेंगे, और आप अपने खांसी और जो भी छींकने वाले कारण है उसको कंट्रोल करोगे, राइट. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर आपको हर्निया के साथ जीना, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते तो यू हैव टू मैनेज दीज थिंग्स. और साथ में हर्निया को हमेशा रिड्यूस्ड रखना है तो उसके ऊपर आप एक्सटर्नली कवरिंग पहन सकते हैं, हर्निया सपोर्ट बेल्ट्स आते हैं वो पहन सकते हैं. हर्निया प्रिवेंट नहीं करते बेल्ट, याद रखिएगा, लेकिन हर्निया रिड्यूस करके रख सकते हैं. अगर एक जहाँ से हर्निया बार बार बाहर आता है उसके ऊपर कोई प्रेशर रखेंगे बेल्ट का, थोड़ा सा, यानी ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है कि उससे ठीक नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर है कि वो बहुत ज़्यादा बाहर ना आए ताकि वो रिड्यूस हो पाए, जब भी बाहर आए वापस चला जाए. दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि अटक गया तो लाइक आई सेड वो वापस फंस जाएगा, वो जय हो जाएगा उसका. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के साथ आपको ध्यान देना है कि बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जिनके वजह से हर्निया बिगड़ सकता है. जैसे अगर कोई भी आपको जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस बचपन की बीमारी है, बच्चों को हर्निया, प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, एनलार्ज प्रोस्टेट है, बुढ़ापे में आपके प्रोस्टेट है तो पेशाब सही से नहीं आता, ताकत लगा लगा के आप थक जाते हो, सेम थिंग, ताकत लगा रहे हो पेशाब में, लैटरिन में, आपका इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, हर्निया में प्रॉब्लम होगी. एक्स्ट्रा वेट है आपका, वजन ज़्यादा है, आपको कम करना चाहिए बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग योर प्रेशर इनसाइड. आपका डाइट सही नहीं है, सिगरेट पीते हो, ओवर एग्जर्शन करते हो, ये सब प्रॉब्लम्स में आपका हर्निया बिगड़ेगा. याद रखिए, हर्निया में पेन हो जरूरी नहीं है, हर्निया होते समय पेन होता है, उसके बाद जब एकदम वो एरिया बन जाता है फट नहीं रहा, फटेगा तो पेन होगा, कोई भी हिस्सा फटेगा या कोई भी एरिया और वीक होगा तो पेन होगा. लेकिन इसलिए हर्निया होते समय या होने से पहले पेन हो सकता है, लेकिन एक बार हर्निया हो गया, रास्ता बन गया उसका, तो वो अंदर बाहर हर्निया चलता रहेगा, आपको पेन नहीं होगा. इसलिए कई हर्निया वाले लोग बस जीते रहते हैं, अम्बलीकर हर्निया, इंसिनियर, तो उनका पेट फूलता है फिर वापस ठीक होता है, कुछ नहीं है चलने दो. तो दैट इज़ दी आइडिया. तो हमेशा पेन होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हर्निया में आ गए आपके अथड़ियाँ, और अथड़ियाँ आके, क्योंकि अथड़ियों के अंदर से आपका फूड आना है, वो फूड आके फैल के अंदर जाएगा, तो अथड़ियों के अंदर आ गया और अथड़ियों के दब गया तो हो सकता है फूड और आगे ना जा पाए, तो फूड अटक जाएगा, तो आपको अगर से मोशन आने बंद हो सकते हैं, आपको उल्टी आ सकती है, नौजे, तो ये खतरनाक चीज़ है. इसलिए हर्निया रिड्यूस होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको हर्निया को टाइम से रिपेयर करवाना बहुत ज़रूरी है. प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली जो उसके कारण है उसको आप ठीक करेंगे, और हर्निया को कंफर्म करना के लिए, डायग्नोस करने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं होती है, वो देख के बता सकते हैं, रिड्यूसेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर लाइट चमका के देख सकते हैं, ये सारे टेस्ट होते हैं, ये डॉक्टर करते हैं, इसमें पता चलता है, कफ रिफ्लेक्स है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, ये सब करके, एक्सरे एब्डोमिन है, ये सब करके देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, राइट, जिससे पता चलता है. लेकिन लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ट्रीटमेंट इज नो मेडिसिन. कोई दवा ऐसी नहीं आई जो फटे हुए कपड़े को सीका को जोड़ दे, राइट. कोई दवा नहीं आई, वैसी ही
कोई दवा ऐसी नहीं आई जो फटे हुए एब्डोमेन को जोड़ दे. सो देर इज नो मेडिसिन विच विल हेल्प यू इन हर्निया, देर इज ओनली सर्जरी. सर्जरी ही इसका इलाज है, और माइनर सर्जरी होती है 15 मिनट की, 20 मिनट की, मतलब व्हाटएवर इट इज यू से, इट्स अ माइनर सर्जरी डिपेंडिंग अपॉन योर केस. अब तो हर्निया सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली भी होने लगी है, सो यू कैन डू दैट सर्जरी अंडर एनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और एनी जनरल सर्जन. नथिंग एल्स इज नीडेड, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड द क्वेश्चन जो लोग सारे पूछते हैं, क्या मुझे हैवी वेट लिफ्टिंग करते समय वेट बेल्ट या जिम में जो जॉक स्ट्रैप या जो लंगोट पहनते हैं वो पहनना चाहिए, क्या उससे हर्निया रिड्यूस, हर्निया प्रिवेंट होता है? तो उसका आंसर है नहीं. नो, हर्निया उससे प्रिवेंट नहीं होता, ये बात याद रखिए. सी, आपका पहले से कोई ना कोई वीकनेस स्पॉट है वहां पे. जो लोग अपने एब्स को, अपने कोर को, एब्स भी नहीं कहना चाहिए, कोर को बिना स्ट्रॉन्ग किए पहले ही जाते हैं, मैं सिर्फ हैवी वेट उठाऊंगा, उनका ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उनके केस में ये हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हैवी से हैवी वेट उठा सकते हो, लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके, अपने आप को चैलेंज या किसी का चैलेंज उठा के नहीं. सो जॉक स्ट्रैप आपके अंडकोशों को हिलने से रोकते हैं, आपके अंडकोशों को दूसरी जगहों के, दूसरे लोगों के पैरों से टंग टंग जुड़ने से, लगने से रोकते हैं. जॉक स्ट्रैप या लंगोट का ये काम है, वो स्पोर्ट्स में काम आता है. कई बार उसमें वो भी रखते हैं तो प्रोटेक्शन रहता है, जैसे क्रिकेट में आपको वहां पे गार्ड भी पहनना पड़ेगा, जॉक स्ट्रैप भी पहनना पड़ेगा. सो दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके मतलब ये नहीं है कि उससे आपका हर्निया प्रिवेंट होगा. हर्निया इज नॉट कमिंग फ्रॉम द स्क्रोटम, हर्निया इज कमिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल वॉल. एब्डोमिनल वॉल के नीचे साइड में पूरा इनग्वाइनल कनाल है, इनग्वाइनल कनाल में कहीं भी वीकनेस होगा, डायरेक्ट हर्निया होता है, इनडायरेक्ट हर्निया होता है. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मतलब फाड़ के आ गया, इनडायरेक्ट मतलब फाड़ के आ गया और डायरेक्ट मतलब वो कनाल के थ्रू आया. सो देयर इज अ होल लॉजिक देयर, बट इतना समझो कि बेल्ट्स और वो उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे. ये सोचो, एक बात सोचो, जब आप कहीं पर भी एक्सरसाइज करते हो और उस जगह को आपने बांध के रख लिया, एक पैर पे आपने कहीं पे, एक पैर पेट पे जहां पे आपने टाइट बेल्ट लगा के हर बार आप स्क्वाट्स, हर बार वेट लिफ्टिंग, हैवी बेल्ट लगा के कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका वो एरिया वीक हो जाएगा. क्यों वीक होगा? क्योंकि उसको ट्रेन होने की टाइम ही नहीं है, उसको तो ट्रेन ही नहीं कर रहे हो, उसको तो आपने दबा के रखा हुआ. उस मसल को, एब्डोमिनल वॉल को ब्रेस करने के लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है. इसीलिए लाइट वेट एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज. स्लो डाउन योर स्पीड इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर इंटेंसिटी. नेगेटिव रेप्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो आप, अगर आप हर्निया से बचना चाहते हैं एक्सरसाइज करते समय. डोंट गो फॉर हैवी वेट लिफ्टिंग अनलेस यू आर प्रोफेशनली इन टू इट, तब आपको वो रिस्क उठाना पड़ेगा. वो भी स्लो होता है, वो भी इमीजिएटली नहीं होता कि जिसने किया मैं 2 महीने में प्रोफेशनल वेट लिफ्टर बन जाऊंगा. नहीं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रिपरेशन, प्री रिक्वेजाइट, इट टेक्स योर बॉडी कंपोजिशन टू बी चेंज्ड. सो इट्स अ बिग थिंग. सो रिमेंबर, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ हर्निया. डू लेट मी नो योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल.